हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज जो मैं बताऊंगा वो आपको है आपका घंटा, मतलब जैसे कि आपको डीजल मैनेज कैसे निकालना है। ठीक है तो डीजल मैनेज आपको मालिक को कैसे देना है। मालिक बोलता है डीजल मैनेज इतना का चाहिए, तो कैसे डीजल मैनेज कैसे निकालेंगे। ठीक है, आपको मालूम चलेगा कि कितना का मेरा एवरेज जो है आ रहा है, मतलब एक घंटा में आपका कितना डीजल लीटर डीजल पी रहा है। ठीक है, तो आपको इस वीडियो में पूरा जानकारी देंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें कि आप कहीं भी कभी जाएँ तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आ पाए। ठीक है, तो वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। तो दोस्तों पहले मैं डीजल के बारे में सुनाता हूँ। दोस्तों मेरा मान लीजिए आप डीजल निकालने के लिए आपको मान लीजिए मेरा डीजल 200 है। ठीक है, और चलने के बाद अभी बचा है 50 लीटर, तो आपका डीजल जो है खर्च हो गया आपका 150 लीटर। ठीक है, तो क्या करना है, अभी का जो वॉच टाइम घंटा है वो को ले लेना है। जैसे मेरा आया 18,466.7। ठीक है, सुबह में हो गया 18,476.7। ठीक है, चलाया 10 घंटा। ठीक है, और जितना भी चलाया उसे 10 से आपका 150 में भाग कर दीजिए। जितना आपका आएगा डीजल मैनेज उतना का आपका एवरेज, जैसे आ रहा है आपका 15। ठीक है, तो 15 का आपका डीजल मैनेज जो है जा रहा है। ठीक है, घंटा पर घंटा में आपको 15 लीटर डीजल जो है पी रहा है। ठीक है, तो यही हो गया आपका डीजल मैनेज। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा झंझट नहीं है, ज़्यादा कोई भी दिक्कत नहीं है, आप हर गाड़ी के ऐसे ही निकाल सकते हैं। ठीक है, आपका एथी के भाई वैसे ही निकलता है, जैसे कि आपको ट्रक वर्क हाई बाईबा हो गया उसका भी ऐसा ही निकलता है। ठीक है, तो उसका होता है मीटर। ठीक है, किलोमीटर पर निकलता है, तो उसका भी आप वैसे ही निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई भी तकलीफ नहीं है, ज़्यादा झंझट कोई सा भी नहीं है। ठीक है, आप कभी भी जाइए कहीं भी निकाल सकते हैं। आपको डीजल मालूम होना चाहिए, डीजल कितना है मेरा टंकी में। ठीक है, तो आप उस तरह से आप निकाल सकते हैं, आपको माइनस प्लस करके, और पॉइंट आप जरूर लिखें। पॉइंट जितना भी आपका है पॉइंट में जो लिखें, जितना भी आपका डीजल खर्च हुआ हो वो भी आप लिखें। ठीक है, तब आपका डीजल मैनेज जो है पूरा आएगा, ना तो आप पॉइंट छोड़ दीजिएगा, इधर भी पॉइंट छोड़ दीजिएगा, तो आपका डीजल मैनेज जो है ऊपर नीचे भाग सकता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ और लेकर आएंगे, कुछ और बढ़िया वीडियो में आपके लिए लाऊंगा, कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा कि आपके आने वाले समय में आपको कोई भी तकलीफ ना आ पाए या कोई भी प्रॉब्लम आपको ना ही आ पाएगा। ठीक है।